पहुंच चुके हो वाशी में। ओ भाई फक 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 लौड़ा तो सुबह सुबह निकलने का एक ही रीजन है कि हमें ट्रैफिक नहीं मिलती। अरे तो कर भाई यहाँ पे हवा भरने के लिए कोई नहीं है। शिव समर्थ हो गया अभी सुबह के टाइम हो रहे 7:04 एंड जैसे कि मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में बोला था कि मैं और मनीष एक छोटी सी राइड प्लान कर रहे हैं। सो अभी फिलहाल हम दोनों ही नहीं है, हमारे साथ और दो जन ऐड होने वाले हैं जिसमें से एक निखिल है। सो थोड़ी देर में वो आता ही होगा मेरे यहाँ पे। 7 बज रहे तो भाई मैं अभी जस्ट उठा हूँ, फ्रेश हुआ एंड अभी निकला हूँ बाहर। तो बाइक जो है ना थोड़ी बहुत गंदी पड़ी है तो इसको हल्का सा वॉश करेंगे, चेन लूप करवाएंगे, एयर प्रेशर चेक करेंगे, वो तो जाते जाते करवा दूंगा मैं। ऑल राइट सो गाइज, यहाँ पे बाइक को हल्का सा वॉश किया है पानी से। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर आ चुका है एंड भाई को आते आते 7:30 हो गए ऑलमोस्ट, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। और भाई क्या हाल चाल? मजे में ऑल सेट। चलो भाई ट्रिप पहले 0 कर देता हूँ मैं। ओके ऑल राइट सो गाइज, अभी का जो टाइम हो रहा है अरे भाई मैं वॉच में देख रहा हूँ, तो 7:30 हो रहे हैं एंड अभी जस्ट हम लोग निकले हैं कल्याण से। थोड़ी बहुत हल्की हल्की धूप आने चालू हो गई है एंड मनीष और एक उसका दोस्त आ रहा है, तो मनीष एंड वो हमें शिवफाटा में ज्वाइन करने वाले हैं। वो शिवफाटा में हमें पहुंचना है 8 बजे तक, तो उसके पहले भाई एयर प्रेशर चेक करवाना है। शिवफाटा के आगे हम लोग फ्यूलिंग करवा देंगे। वैसे काफ़ी दिनों से प्लानिंग चल रही थी, मैंने आपको बोला था इस राइड के, तो मैंने आपको बताया नहीं कि भाई हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं या फिर ये कौन सी राइड है। सो भाई ये जो राइड होने वाली है वो है उरन की राइड। तो हम लोग अभी कल्याण टू उरन कर रहे हैं। उरन अप्रोक्स यहाँ से कुछ 60 या 65 किलोमीटर है। पहली बार जा रहा हूँ उरन, सो देखते क्या एक्सपीरियंस होता है एंड कितना मज़ा आता है। वैसे मैंने सुना है कि भाई उरन जो है ना वो बारिश में घूमने के लिए बहुत सही है, बट हम लोग अभी बारिश होने के पहले ही जा रहे हैं भाई। सुबह निकलने का एक ही रीज़न है भाई कि शिवफाटा में हमें ट्रैफिक कम मिल सकती है। तो अभी यहाँ पे हम लोग एयर प्रेशर चेक करवा रहे हैं। मतलब टाका से पेट्रोल, लेट्स गो। अरे अंकल तो नाव काय? रोहन। यूट्यूब चॅनल आहे? आता चालू केलंय का? ऑल राइट सो गाइज, अभी का जो टाइम हो रहा है 8:30 हो रहा है एंड अभी हम लोग फिलहाल पहुंच चुके हैं वाशी में। ओ भाई फक 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 ओ शिट, लागला मागे मागे, पुढे जा पुढे। अरे भाई आता यो सिग्नल का तोडतोय। अरे कसा निघू? बाजूला फोर व्हीलर होती, तू आता माझ्याकडे जा। लागला का? लागला का? नाही लागला ना भाई, काहीच नाही लागला। केअरफुल यार मनीष, बाइक ला काय आले? अरे काहीच नाही सेवा, ते धासली थोडी। अरे
अबे सिग्नल है यार मला पण दिसला नाही माझी चुकी ऍक्च्युअली हॉर्न देतो मी म्हणजे तू मध्ये चा मी बोलतो आता कुठे टाकू पाणी पाणी पी पाणी पी अरे ते होऊन जाईल काय बोलतो भाई मला थंबनेल भेटला समीरच्या बाजूला तुझा बेड आहे आता ਅਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਾਏ ਬੇ ਨੱਕੀ ਗਾ ਕਾਨੂ ਤੋ ਗਾਇਸ ਮਨੀਸ਼ ਕੇ ਹੈਂਡਲ ਕਾ ਇਹ ਟੁੱਟ ਚੁਕਾ ਹੈ ਗਲਤੀ ਸੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਕੁੱਤੇ ਮਾਜੀ ਥਾਮੋ ਤਾਂ ਜਾ चलो भाई बेकार सीन हो गया यहाँ पे माला लीड देतो का मग तू त्याच्या मागे ओ भाई साहब गंदा वाला बचा है यार मनीष गंदा वाला लिटरली ठीक है लेकिन भाई ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है थोड़े मैं निपटा लिया एंड थोड़े बहुत बाइक को उसके स्क्रैचेस आए तो भाई वो तो हो जाएगा उसको कुछ नहीं हुआ भाई वो मैंने वरना भाई समीर के बाजू में उसका पेड़ कंफर्म था वैसे गाइस एक्चुअली ना गलती मेरी है मैंने सिग्नल देखा नहीं एंड मैंने अर्जेंट ब्रेक दबा दिया तो मनीष को ज़रा से भी जगह नहीं मिली भाई ने कैसे कैसे कंट्रोल की बाइक एंड भाई गिर गया मेरे तो हार्ट बीट अभी तेज हो रही है तो भाई क्लाइमेट को हो क्या क्लाउड्स है यार एंड ये रोड सो हो ज़बरदस्त भाई पहली बार मैं वाशी में आया हूँ एंड पहली बार ये वाले रोड्स पे बाइक चला रहा हूँ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है बहुत ही नीट एंड क्लीन रोड्स है यहाँ पे एंड थोड़े बहुत काले बादल आए हुए हैं सो बारिश होने की थोड़ी बहुत संभावना है लेकिन मुझे नहीं लगता होगी क्योंकि भाई ये डेली का है डेली ऐसा ही क्लाइमेट हो रहा है कभी धूप आ रही है कभी छाव आ रही है तो हम लोग को ना बेसिकली क्लाइमेट ठंडा चाहिए चार चांद लग जाएंगे भाई राइड में ओके तो गाइस अभी फ़िलहाल हम लोग हैं पनवेल ट्रिक के ऊपर एंड यहाँ से JNPT के लिए स्ट्रेट रोड है एंड रेती बंदर के लिए आपको लेफ्ट लेना पड़ता है उरन यहाँ से 21 किलोमीटर्स है एंड घर से निकल के हम लोग ने टोटल क्रॉस किया है 40.7 किलोमीटर्स सो और 21-22 किलोमीटर्स अप्रॉक्स है ठीक है सर म्यूजियम से नाम शिव समर्थ है हाँ बैग ये बैग ढूँ दे दीदा तो गाइज अभी फिलहाल हम लोग आए श्री शिव समर्थ म्यूजियम रास्ते में मिला तो भाई ने बुला लिया हम लोग को अंदर खुद से बुला रहे भाई अंदर तो ये देखो भाई ओहो तो ऊपर हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज एंड श्री स्वामी समर्थ है सो देखते अंदर जाके अभी क्या सीन है A few moments later. तो गाइज अभी हम लोग फिलहाल बाहर आ गए ये म्यूजियम के एंड अंदर बहुत सारे पेंटिंग्स हैं शिवाजी महाराज के एंड थोड़े बहुत स्टैचूज हैं एंड ऊपर जो है ना ये सबसे बड़ा वाला स्टैचू है तो अंदर वीडियो अलाउड नहीं थी इसलिए मैंने निकाली नहीं वीडियो तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग एंड अभी डायरेक्टली जाके उरन में रुकेंगे कुछ खाएंगे क्योंकि सुबह से हम लोग ने नाश्ता भी नहीं किया है चाय भी नहीं पी है सो चलो चलते हैं यहाँ से चला ऑल राइट सो गाइज अभी हम लोग निकल रहे हैं उरन यहाँ से अभी कुछ 13 किलोमीटर है एंड भाई मेरे ग्लव्स शायद बैग में है उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए ए लौड़ू तो गाइज अभी हम लोग फिर से रास्ता भूल गए मतलब मनीष भूल गए तो मनीष को लगा ये वाला रोड है तो इसने भाई ने डाल दिया अंदर एक्चुअली ये पनवेल का रोड है एंड ये उरन का रोड है तो अभी हम लोग यहाँ पे रुके उसका वेट कर रहे हैं एंड ये व्यू देखो भाई ओ हो क्लाउड्स देखो क्या ज़बरदस्त लग रहे मज़ा आ गया तो यहाँ पे रुक के ना अभी दो तीन फ़ोटोज़ निकाले हम लोग ने
मनीष एंड उसका दोस्त अभी आ रहे हैं वहां से. बोर्ड ने वाचला तू? अरे तिथे पनवेलचा बोर्ड ने वाचला का? चल ये मॅप लाव. तो गाइज सबसे पहले हमारा प्लान है ONGC का जो हेलीपैड है जो बीच है वहाँ पे जाने का. एंड उसके बाद देखेंगे पिरवाड़ी बीच पे घूमेंगे थोड़ा. फाइनली वी आर एट उरन. सो फाइनली गाइज वी आर एट पिरवाड़ी बीच नागाव चौपाटी. नहीं कलर नसतो येड्या तर काय असतो माहिती आहे का? एक सॉल्ट वॉटर असतो आणि एक क्लीन वॉटर असतो. तर ते दोन मिक्स नाही होत एकमेकांमध्ये. जो ब्ल्यू वाला असतो तो क्लीन असतो, ते वाला ते सॉल्ट वॉटर असतो. ओहो हो भाई साहब मन कर रहा है डुबकी लगा लूँ यहाँ पे. तो गाइज ये चेकआउट करिए, ये है रॉक बीच. एंड वो थोड़ा सा मतलब आगे ही पिरवाड़ी बीच है, लेकिन इस पूरे एरिया को पिरवाड़ी बीच बोलते हैं. तो फाइनली गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं पिरवाड़ी बीच. एंड ये ONGC की जो फैक्ट्री है उसके सामने ही है. एंड यहाँ पे देखो हेलीपैड है. सो ऑब्वियसली ये ONGC का है. सो यहाँ पे मनीष का दोस्त है निखिल, पूरा अंदर जा चुका है भाई. एंड ये रहा मनीष. ओ मनीष. सो अभी यहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे, फोटोज निकालेंगे एंड देखते हैं आगे और एक जगह है तो वहाँ पे जाएंगे. एंड यहाँ पे द्रोणागिरी फोर्ट है शायद वहाँ पे कहीं पे, तो अगर पॉसिबल हुआ तो वहाँ पे भी जाएंगे. लेकिन भाई ये चेकआउट करिए. ओ हो हो. तो अभी ना यहाँ पे फोटो सेशन चल रहा है इन लोगों का, चारों की एक ग्रुप सेल्फी भी लेनी है. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर. तो गाइज अभी हम लोग ने यहाँ पे थोड़े बहुत फोटोज निकाले एंड अभी हम लोग थोड़ा सा आगे जाके देख रहे हैं कि कुछ है या नहीं देखने के लिए. तो यहाँ पे गाइज ना हज़रत मुकीम शाह बाबा की दरगाह है, काफ़ी फेमस है एंड काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे. सो देखते हैं अभी हम लोग थोड़ा आगे जाके. तो गाइज ये रही वो दरगाह मेरे लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड में पिरवाड़ी बीच है. तो यहाँ पे लोग है थोड़े बहुत एंड अंदर भी काफ़ी सारे लोग हैं. अरे भाई आराम से. ओ हो 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 भाई साहब असली माहौल तो यहाँ पे है भाई. तो यहाँ पे काफी सारे लोग देख सकते हो अभी आप. अरे तो बेड होता ना बेड तो प्लाई असतो ना, असं वरती निघ जाणार आहे ठोकला ना. अरे आवाज येत होता. आलो ना आवाज कर दो. आम्ही ना खुश लगेच झोपलो, गाणे लावलेले आम्ही लगेच झोपलो. A few moments later. तो गाइज बेसिकली यहाँ पे और दो जगह है घूमने, जैसे कि एक द्रोणागिरी फोर्ट है एंड कारंजे. तो कारंजे के लिए आपको ना वहाँ से फेरीज मिल जाएंगी, वहाँ से आप फेरीज लेके कारंजे तक पहुँच सकते हो. एंड द्रोणागिरी फोर्ट जो है जहाँ से हम लोग आए थे वहाँ से आपको राइट मारना था. तो वहाँ से स्ट्रेट जाओगे तो आपको द्रोणागिरी फोर्ट मिल जाएगा. सो मुझे तो नहीं लगता कि द्रोणागिरी फोर्ट हम लोग जा पाएंगे क्योंकि बहुत धूप है एंड जैसा क्लाइमेट सोचा था वैसा नहीं है. तो भाई धूप में ना बहुत थकान लग रही है एंड भूख भी बहुत लगी है. सो हम लोग अभी कुछ खाने के लिए जा रहे हैं. तो गाइज अभी फ़िलहाल हम लोग है उरन के जो मेन मार्केट है उरन का उसके अंदर. बस ये तो फैन है इधर. कधी ट्रायपॉड नाही, कधी मोबाईल मध्ये चार्जिंग नाही, कधी कॅमेरा असं नाही. व्हिडिओ काढते मनीष. बरोबर आहे, लोकांना समजायला पाहिजे ना काय प्रॉब्लेम आहे व्लॉगर्सचा. हा व्लॉगर्स आहे तर भाई आणायला पाहिजे. तर चॅनलचं नाव काय त्याचं? मिस्टर अननोन. काय काय? मिस्टर अननोन. मिस्टर अननोन. तो गाईज भाई का चॅनल आहे, चॅनल को सबस्क्राईब करो जाके. अभी चेंज करणे वाला आहे, मिस्टर रायडर करणे वाला. ये असं दहा वेळा चेंज नाही करायचं, एकच ठेवायचं पाहिजे. सबको बराबर मिलेगा. ये ऐड कर रहे ग्रुपला. ऑल राइट. सो गाइज यहाँ पे हमारा खाना आ चुका है. सो अभी खाएंगे एंड निकलेंगे यहाँ से. हमारा खाना हो चुका है यहाँ से एंड अभी हम लोग निकल रहे हैं. अभी का जो टाइम हो रहा है 12:30 हो रहे दोपहर के. सो चलो. तो गाइज अभी फिर से एक सीन हो गया. मनीष और निखिल आगे निकल गए एंड भाई मैं पीछे रह गया तो मुझे रास्ता मिल नहीं रहा था. तो उन्होंने अभी लोकेशन भेजी है तो अभी उस लोकेशन में जा रहा हूँ मैं. ये रहे यहाँ पे खड़े. अरे मैं त्या ब्रिजच्या वरतून द्रोणागिरीच्या इथे गेलो. तुम्ही खालून आले का? मागे माझ्या मागे नव्हते तुम्ही?
तो गाइज घर से निकल के हम लोग ने टोटल 78.4 किलोमीटर्स कंप्लीट किए हैं एंड JNPT के हाईवे पे हम लोग पहुंच गए अभी फिलहाल। सो काफ़ी मज़ा आया राइड करने के लिए, काफ़ी सही रोड्स थे एंड स्पेशली ना भाई वाशी के जो रोड्स है, वाशी के जो हाईवे है भाई प्यार हो गया भाई, क्या हाईवे, मतलब नीट एंड क्लीन भाई, मज़ा आ गया। उरन काफ़ी बढ़िया प्लेस है, टूरिज़्म अगर थोड़ी बहुत अच्छी हो जाती है यहाँ के इन फ्यूचर तो और भी ज़्यादा भीड़ आ सकती है यहाँ पे। आते वक्त हम लोग रुके थे ये जो म्यूज़ियम है तो यहाँ पे हम लोग रुके थे शिव समर का। अगर आप भी यहाँ से जा रहे हो, गुजर रहे हो तो रुक के थोड़ा विजिट करके देखो। लेट्स गो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, उम्मीद है आपने वीडियो एंजॉय की होगी, काफ़ी लंबा व्लॉग बनाई है। अगर यहाँ तक देख ही लिया है तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, चैनल पे कोई नया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड मिलते हैं ऐसे कोई नए मोटो व्लॉग में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, गुड बाय, बाय बाय। अभी शाम बोल रहे ना, अभी पेंसिल डालने को जा रहा हूँ, वो भाड़ू अभी दो दिन के बाद आज पकड़ा उसको मैं। अरे मोबाइल चोर है तो मोबाइल चोर है अपना है ना अपना है भाई